डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर आज आपके लिए सेल डिवीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन की दो टाइप हैं। सेल डिवीजन के एक टाइप को हम माइटोसिस कहते हैं, जो इससे पहले के वीडियो में मैंने जिसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं माइटोसिस क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो डिवीजन है उसे हम मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मियोसिस सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर वो हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, ठीक है, हाफ हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मियोसिस है इट ऑकर ओनली इन जर्म सेल्स। काय में होती है? जर्म सेल में होती है। जो जेनरेटिव सेल होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं उनमें होती है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि इट ऑकर ओनली इन द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल। ये यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन इसके बगैर नहीं हो सकता है। मींस इट इज टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मींस जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल ही कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस की वजह से होता है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो बनते हैं ये मियोसिस का रिजल्ट होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो 2n सेल है, 2n सेल जो है, जो डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, ये मियोसिस में सिंगल n सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। सिंगल n सेल के अंदर डिवाइड होते हैं और फिर ये अगेन ये सिंगल n सेल जो है दो सिंगल सिंगल यानी हाफ क्रोमोसोम वाले सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल जो है फोर हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स ये है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम होते हैं, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाते हैं। इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जब दो क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम जिसे हम गैमेट्स भी बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट भी जिससे बनते हैं, ये तैयार होते हैं, तो इनके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो वो हाफ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं वो उसी वजह से हम इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसके एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि सबसे पहले जेबी फार्मर करके साइंटिस्ट गुजरे, जेबी फार्मर। एडिशनल मालूम आपके पास लिख लीजिए, जेबी फार्मर। इन्होंने 1905 में जो है इस प्रोसेस को डिस्कवर किया और बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर यानी जर्म सेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इससे गैमेट जर्म सेल के अंदर ये होता है। माइटोसिस कहां होता है? माइटोसिस सोमेटिक सेल के अंदर होता है। ये यूकेरियोटिक सेल में होता है। माइटोसिस यूकेरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, इसी तरह से गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। गैमेट फॉर्मेशन इसके जरिए से होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो हो रहा है मियोसिस, ठीक है,
यहां पर मियोसिस के से लगे डिवाइड हो रहे हो रहे चार बन रहे एक के दो तो यहां पर इसमें माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस के अंदर माइटोसिस भी होता है, यानी यहां पर दोनों साइकिल होती है, पहले माइटोसिस और मियोसिस होता है, मियोसिस फॉलोड बाय द माइटोसिस, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि फोर डॉटर सेल्स तैयार हो रहे हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल एन होते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी चेंजेस जो है मियोसिस के अंदर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मियोसिस में क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिए सी है कि माइटोसिस के जो सेल्स होते हैं, माइटोसिस के जो सेल्स होते हैं ये उनके पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, माइटोसिस के जो सेल्स होते हैं वो उनके पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, जेनेटिकली भी डिफरेंट होते हैं और फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच आर ऑकर इन द मियोसिस। उसमें क्या क्या होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जब ये रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके वजह से जो जीन है, जीन एक क्रोमोसोम की जीन, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जीन या एक सिस्टर क्रोमेटिड्स की जीन जो है दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड्स पर जाती है, जिसके वजह से वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो पेरेंट से डॉटर से इसमें हमको डिफरेंट नजर आते हैं ड्यू टू द वेरिएशन। सो इट इज अबाउट द यस स्टूडेंट, इट इज अबाउट द मियोसिस। अब मियोसिस जो होती है ये दो फेजेस में होती है, मियोसिस जो होती है वो दो फेजेस में होती है। अब वो दो फेजेस क्या है, तो सबसे पहले आपने अगर से माइटोसिस के स्टेजेस देखे होंगे तो माइटोसिस के स्टेजेस को जरा ध्यान में रखिए। सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है जो रेस्टिंग स्टेज में होता है, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जिसमें जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक सिंपल स्ट्रक्चर, इसको हम इंटरफेस कहते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज होती है। इस इंटरफेस से ही सेल जो है वो चेंजेस में जाता है, ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस में जाता है। तो उसमें सबसे पहली स्टेज जो आती है, हमने वहां पढ़े थे, प्रोफेज होती है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है। तो ये जो चार डिवीजन है, पहली डिवीजन कौन सी, प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टेलोफेज, ये चारों डिवीजन जो होती है ये किसकी होती है, इट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन इज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो यहां क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां ये होता है कि मियोसिस जो है दो फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में सेल जो है इंटरफेस से डायरेक्ट प्रोफेज फर्स्ट में जाता है, फिर प्रोफेज फर्स्ट फॉलोड मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फॉलोड टेलोफेज फर्स्ट, और टेलोफेज फॉलोड क्या होता है, यस, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी होता है, यानी इसमें क्या होता है कि एक जो सेल है, एक जो डिप्लॉइड सेल है वो कंप्लीटली डिवाइडेड होता है टू इक्वल सेल के अंदर। तो ये जो दो इक्वल सेल यहां तैयार हो रहे हैं, डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं, इसके डॉटर सेल, ठीक है, ये दो का पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल के दो डॉटर सेल, तो उसके अंदर यहां से लेकर यहां तक जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद वो दो डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं, कितने तैयार हो रहे हैं, दो डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, पहली स्टेज से लेकर तो दूसरी स्टेज तक जो मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। अब ऐसा हमने जो है माइटोसिस में नहीं पढ़ा है, वहां सिंपल डिवीजन होती है, वहां मल्टीप्लिकेशन होता है और सब डिवीजन से होकर जो है जेनेटिक मटेरियल एक ही टाइप का रहता है, सिंगल पेरेंट टाइप का रहता है ना, होमोलोगस टाइप ऑफ द क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है माइटोसिस के अंदर, तो यहां ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल जो है वो दो हाफ दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये हो रहा है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो फेज है वो प्रोफेज है और ये सबसे लॉन्ग फेज कहलाता है, सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फेज कहलाता है, जबकि माइटोसिस के अंदर ये फेज छोटा होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहां देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोफेज के अंदर पांच स्टेजेस नजर आएंगे, पांच स्टेजेस। पहली स्टेजेस जो पहली स्टेज जो प्रोफेज की कहलाती है वो लेप्टोटीन कहलाती है, दूसरी स्टेज जो कहलाती है इसकी स्टूडेंट्स देखिए आप जायगोटीन कहलाती है, तीसरी स्टेज जो कहलाती है इसकी पैकेटीन कहलाती है, चौथी स्टेज जो कहलाती है इसकी डिप्लोटीन कहलाती है, और पांचवी स्टेज जो कहलाती है इसकी डायकाइनेसिस कहलाती है। अब ये पांच स्टेजेस इसकी ऐसे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, प्रोफेज ज्यादा वक्त लेता है, प्रोफेज ज्यादा वक्त लेता है। हालांकि प्रोफेज हमने माइटोसिस में पढ़ा एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं, फिर वो क्या होते हैं क्रोमैटिड्स बनाते हैं, क्रोमैटिड्स से फिर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है हमको फिर क्रोमोसोम शेप नजर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्रोमोसोम हमको एक फॉर्म में नजर आते हैं, यहां पर भी वैसे ही हो रहा है लेकिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं उस दौरान, वो चेंजेस क्या हो रहे हैं उसको हमको यहां पढ़ना है अंडर हेडिंग प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज कहेंगे हम या लॉन्ग ड्यूरेशन फेज कहेंगे और इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फेज, इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंसी है, क्यों है, इसलिए इस फेज के अंदर क्या हो रहा है पांच सब डिवीजन इसकी हो रही है या पांच फेजेस सब फेजेस हो रहे हैं। पहला जिसको मैंने कहा था नाम याद रखिए लेप्टोटीन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच का जो सी है राइट एक्सप्लेन द प्रोफेज फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, यानी ये डायग्राम की मदद से आपको उसको एक्सप्लेन करना है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये पांच प्रोफेज फर्स्ट ही आपको खास बात यह है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में जो है इस मियोसिस का एक ही क्वेश्चन है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट और उसके स्टेजेस वो कौन कौन से लेप्टोटीन जायगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायगेनेसिस। तो हमको वो डायग्राम को भी समझना है पांचों यानी प्रोफेज को पूरा अच्छे से समझना है और प्रोफेज की ये पांचों डायग्राम को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेज एक पहला सिग्निफिकेंट फेज है जो पांच फेजेस में डिवाइड होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके पहले फेज में क्या होता है, देखिए इसके पहले फेज में क्या होता है। अब ये डायग्राम की तरफ हम गौर से देखें, यहां पर जो है क्रोमोसोम सिकुड़ना शुरू हो रहे कंडेंस हो रहे कंडेंस, यानी जो क्रोमेटिन था क्रोमेटिन वो क्रोमेटिन क्या हो रहा है इसमें देख सकते हैं आप इंटरफेस के अंदर क्रोमेटिन है एक नेटवर्क ऑफ द फाइबर दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हो रहा है कंडेंस हो रहा है, कंडेंस कैसा हो रहा है इसके अंदर जो है क्रोमोसोम बीट की शक्ल में नजर आ रहे बीट्स बीट्स कहते हैं माला को माला को बीट की शक्ल में नजर आ रहे माला की शक्ल में नजर आ रहे जैसे तस्बीह होती है उसके अंदर दाने दाने फिरे हुए होते हैं ना तो वैसे ही आपको इसमें क्रोमोसोम नजर आएगा। अब इसके स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए इसमें आपको वही प्री माइटोसिस में जो हमने स्ट्रक्चर देखा था प्रोफेज का वैसी है यानी क्या है सेंट्रियोल्स है ठीक है न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियोलस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हो रहा। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस यहां से शुरू होना शुरू हो रहे। तो पहली स्टेज क्या है स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन करना है पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है यस लेप्टोटीन में आपको लिखना है कि लेप्टोटीन में ये हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं कंडेंस हो रहे हैं और बीडेट की शक्ल में नजर आ रहे हैं और क्या हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है एक हमको जो है उसका न्यूक्लियस जो है
उसमें न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये फर्स्ट स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर हमने देखा है कि क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो रहे हैं। दूसरी स्टेज स्टूडेंट्स यहां है, देखिए आप यहां पर देखिए प्रोफेज की दूसरी स्टेज जो है वह है जायगोटिन। अब जायगोटिन में क्या हो रहा है, गौर से देखिए आप डायग्राम की तरफ, जायगोटिन के अंदर सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और स्प्लिट हो गया, सेंट्रल की डिवीजन हो गया। सेंट्रियोल क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि ये सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम को खींचेंगे, पुल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहां पर देखिए डिवीजन ऑफ द सेंट्रियोल हो गए हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है तैयार हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसा रहता है, जिसमें इस तरह के दो क्रोमेटिस तैयार हो जाते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तैयार हो गए, इसको हम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए दो अलग अलग कलर में एक एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये, बीच में अभी न्यूक्लियस है यहां पर, ठीक है, न्यूक्लियोलस है इसमें, न्यूक्लियोलस डिवाइड नहीं हुआ, दिख रहा है आपको ये डायग्राम, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप गौर से देखिए इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है इस स्टेज के अंदर, जायगोटिन में पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है, हमको सिनेप्स नजर आ रहा है, सिनेप्स कहते हैं जोड़ को, सिनेप्स कहते हैं जोड़ को, यानी दो क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना, पेयरिंग होना, तो पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है। और क्रोमोसोम कैसे नजर आ रहा है उनको, ये क्रोमोसोम जो कहलाते हैं, देखिए ये क्रोमोसोम को हम बायवैलेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बायवैलेंट, और अगर से चार क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम इस तरह से जुड़ रहे हैं तो उसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं, टेट्रावैलेंट। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं, तो इसी तरह का बायवैलेंट टेट्रावैलेंट जो है आपको यहां पर नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम, तो बायवैलेंट होते हैं क्रोमोसोम या फिर टेट्रावैलेंट होते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है इस स्टेज के अंदर, अभी अभी न्यूक्लियस बाकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर नहीं हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वहां से दिख रहे हैं, विजिबल हो गया, पहले भी तो लेप्टोडिन में बिडेट फॉर्म में थे, ठीक है, क्रोम उसकी जो प्रोटीन जो है वो सुखड़ना शुरू हो रहे हैं। अब आइए तीसरा जो फेज कहलाता है पैकेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट, ये फेज में क्या होता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसी में ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, इसी में ही बहुत सारी तब्दीलियां होती है, वो क्या होती है आप गौर से देखिए, मैं भी यहां उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर डायग्राम में आप देखिए, मैं दो क्रोमोसोम बना रहा हूं यहां, ठीक है, एक क्रोमोसोम मैंने बनाया हूं लाल कलर से, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है, इसके दो क्रोमेटिड्स, दूसरा क्रोमोसोम यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है, नीले पेन से, ये उसका सेंट्रोमियर है, दो क्रोमोसोम ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे पर, ओवरलैप हो रहे हैं क्या नहीं, यहां पर भी आप देखिए ओवरलैप हो रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इसकी जीन इस पे ट्रांसफर हो रही है, इसकी जीन इस पे ट्रांसफर हो रही है, इसकी जीन इस पे ट्रांसफर हो रही है, इसकी जीन इस पे, इसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, और जहां क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम चैस मेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, चैस मेटा कहते हैं। जब आप अगली क्लास में जाएंगे 11th में तो आपको डिटेल समझने को मिलेगा चैस मेटा का, तो वो पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ये एक्सचेंज ऑफ द जीन होता है, उसी को हम जो है चैस मेटा, और क्रॉसिंग ओवर वहां होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जीन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाती है, जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो क्रोमोसोम स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम एक में ये एक कंडीशन ये बता रहे, एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि समझ लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, हाँ, अब दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो अब ये टूट रहा है, तो टूटने के बाद क्या होता है, यहां पर दूसरे होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्ट इसको मिल जाता है, और समझ लो ये है, तो इसको दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट इसको यहां मिल जाता है, कलरफुल समझना है ना आप, यहां पर देखिए यहां पर यही हो रहा है, तो क्रोमोसोम इसमें क्रोमोसोम स्प्लिट भी हो रहे हैं, क्रोमोसोम ओवरलैप हो रहे हैं, सिस्टमैटिक ओवरलैप हो रही है, जिसके वजह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशंस होते हैं, यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है नई स्पीसीज फॉर्म होती हैं, यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से डॉटर सेल्स जो है पेरेंट सेल से मुख्तलिफ नजर आते हैं,
एंड दिस लीड टू द न्यू स्पीसीज, स्पीसीज फॉर्मेशन, स्पीसिएशन एंड ऑल्सो द इवोल्यूशन, वेरिएशन इसके वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया स्टेज, कौन सी स्टेज हो गई है जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है। तीसरी स्टेज इसमें स्टूडेंट्स है डिप्लोटिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद क्या होता है क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाते हैं, बायवैलेंट बन जाते हैं, टेट्रावैलेंट से बायवैलेंट बन जाते हैं, यानी अभी ये टेट्रावैलेंट है ना तो ये अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग हो जाते हैं वो भी देख लीजिए, अभी टेट्रावैलेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है और उसका आधा पार्ट इसमें दूसरे क्रोमोसोम है तो ये बायवैलेंट बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्रोमोसोम ये है समझ लो, ठीक है, और इसका आधा पार्ट जो है वो दूसरा है समझ लो इसमें ऐड हो गया तो ये बायवैलेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बायवैलेंट बन जाएंगे, टेट्रावैलेंट से बायवैलेंट बन जाएंगे। और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो रही है, क्रोमोसोम जो है वो बायवैलेंट हो गए हैं, अब वो मूव हो रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, पुल हो रहे हैं दूसरे से। और क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर सेंट्रियोल भी मूव होना शुरू हो गया है। सेंट्रियोल क्यों मूव होगा ये समझ लीजिए, व्हाई सेंट्रल इज मूव फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, इट डिवाइड फर्स्ट एंड टू सेंट्रियोल्स आर मूव टू ईच पोल। और ये क्यों जा रहे हैं, टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, क्रोमोसोम को खींचने के लिए, कहां से, सेंटर से, किस तरफ, पोल की तरफ, पोल की तरफ खींचने के लिए जा रहा है। तो डिप्लोटिन भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें बायवैलेंट क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं और जो है ये यहां पर जो है नए क्रोमोसोम जो है हम लोगों को क्रोमोसोम तैयार होते हैं। तो ये होगी इसकी कौन सी स्टेज स्टूडेंट्स, बोलिए आप मुझे, डिप्लोटिन। एक आती है स्टेज डायकाइनेसिस, लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज, प्रोफेज की लास्ट स्टेज ये है डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, जेडी मेटल का एक्सचेंज हो रहा है और स्पिंडल फाइबर का बनना शुरू हो रहा है, यानी जेडी मेटल एक्सचेंज हो जाएगा और ये जो सेंट्रियोल्स है जो मूव हो गए अपोजिट पोल की तरफ, एक सेंट्रियोल यहां मूव हो गया, एक यहां हो गया, तब यहां पर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं आपको मालूम है, स्पिंडल फाइबर स्पेशल टाइप्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, पुल करने में मदद करती है क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ। तो डायकाइनेसिस ये इंपॉर्टेंट जो सेल डिवीजन है, प्रोफेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रियोल जो है सेपरेट हो रहे हैं, चार्स मेटर जो है सेपरेट हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की जगह से निकलकर अलग अलग क्रोमोसोम निकल रहे हैं। अब ये जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्स मेटा होता है, इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जा रहा है, सेंट्रोमियर अलग अलग तैयार होकर क्रोमोसोम के अलग अलग जो है सेपरेट हो गए हैं बायवैलेंट के अंदर। अब स्पेशल यहां पर जो है सेंट्रियोल्स भी डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएगी। तो इस स्टेज के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप डायग्राम पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुके हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम के को खींचेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके। तो ये एक फाइनल स्टेज थी प्रोफेज फर्स्ट की। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन द प्रोफेज फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो आपको ये पांच स्टेज को उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फेज कहलाता है मियोसिस फर्स्ट का। मियोसिस फर्स्ट में हमने देखे कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो सब फेज होते हैं वो उसके कितने होते हैं, पांच होते हैं, जिसको मैंने यहां एक्सप्लेन किया हूं। इसके बाद हम देखेंगे मेटाफेज क्या होता है। So, स्टूडेंट व्हाट हैपन इन द मेटाफेज, तो हियर आफ्टर प्रोफेज फर्स्ट द लेटर स्टेज इज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट जो स्टेज होती है इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमने देखे प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए, ठीक है, इक्वल जो है इक्वल हाफ में डिवाइडेड होने के बाद जो सेंट्रियोल्स मूव हो गए सेंटर की तरफ, ये सब चेंजेस हो गए।
यहां पर एक ही चीज ये होती है कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर अरेंज ऑन द यस इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है जी, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो है क्रोमोसोम आके जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब फिर वहां से क्या होता है, एक एक सेंट्रियोल का एक एक स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को चिपक जाता है जाके, ठीक है, यहां इस तरह से हो रहा है ये, हाँ तो ये भी यहां पर भी वही हो रहा है। देखिए स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जुड़ गए हैं अब क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के अंदर एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो रहा है, क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपल्स हो रहे हैं। हमने ये देखा था कि ये क्रोमोसोम जो है वहां पर यानी माइटोसिस के अंदर हमको बनाना शेप की नजर आ रही है, और भी अच्छे नजर आते हैं ऐसे, उसके अंदर सेंट्रोमियर्स होता है, उसके दो आर्म नजर आते हैं और इस तरह से हमको क्रोमोसोम जो है वाजे तौर पर। तो इसमें स्पेशल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, मेटाफेज में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इसीलिए हम इसको मेटाफेज प्लेन भी कहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वहां इट इज कॉल्ड एज अ मेटाफेज प्लेन। तो जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनके अपोजिट पोल की तरफ वो यहां से अब खींचना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है वो है एनाफेज, जो मेटाफेज के अपोजिट है। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द सेंटर मिडल पोर्शन ऑफ द सेल यानी इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। अब यहां एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर्स है उसके अंदर की जो प्रोटीन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है पुल हो रहे हैं, ठीक है, वो खींचे जा रहे हैं, किधर खींचे जा रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ, यानी इस ये इसके अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और ये इसके अपोजिट। तो ये हो रहा है, कह सकते हैं हम क्या, देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स एंड द श्रिंकेज ऑफ द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स फॉलोड द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये चीजें यहां हो रही हैं। तो आप इस स्टेज को भी ध्यान में रखें, इसमें क्या हो रहा है, ये वही स्टेज है जैसे एनाफेज में हमने माइटोसिस के एनाफेज में पढ़ाया कि एनाफेज में क्या होता है। इसके बाद की जो लास्ट स्टेज है वो आती है स्टूडेंट्स एनाफेज फर्स्ट के बाद। एनाफेज फर्स्ट के बाद जो है हमने एनाफेज देखा है अभी, इट इज अपोजिट टू द मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। बाकी टीलोफेज, टीलोफेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टर्मिनल स्टेज या लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ व्हाट, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज, टीलो, टीलो मींस टेल एंड, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में ये हो रहा है कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है जो अपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं, हां अपने अपने पोल की तरफ चले गए हैं, अब ये क्या हो रहा है, अनकॉइल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अनकॉइल हो रहे हैं। मैंने बताया था अनकॉइल कैसे होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम है अब वो क्या हो रहे हैं, पहले कंडेंस हो गए थे, कंडेंस हो गए थे तो हमको इस तरह से नजर आ रहे थे, ठीक है, होमोलोगस नजर आ रहे थे। अब ये क्या हो रहा है, ये डिकंडेंस होना शुरू हो रहा है, यानी इनके अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो एक्सपांड हो रही है, फैल हो रही है, एक्सपांड हो रही है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो दोबारा क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर तब्दील हो जा रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर तब्दील हो जा रहे हैं, यानी इस तरह से वो क्रोमोसोम फाइबर्स के अंदर तब्दील हो जा रहे हैं। तो टीलोफेज के अंदर क्या होते हैं, यस इन्वेजिनेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, यानी यहां पर ये होता है कि दो डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं टीलोफेज के अंदर, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोमल फाइबर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये स्टेज जो कहलाती है इसको हम टीलोफेज कहते हैं। ये भी टीलोफेज उसी तरह से होता है जैसे हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा है, तो इसको लेकिन हम यहां पर फर्स्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एनाफेज फर्स्ट को फॉलो करते हुए आ रहा है। इसके बाद जो स्टेज यहां आती है स्टूडेंट, वो स्टेज को भी हमने पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं अपन यस साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इसको हम साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के अंदर हमने डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द जर्म सेल देखा है, जिसमें एक सेल जो है एक डिप्लॉइड सेल जो है वो टू हैप्लॉइड सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, समझ में आ गया आपके। तो यहां पर अब जो है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद हम कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस जो होती है जिसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का डिप्लॉइड सेल
डिप्लॉइड सेल मियोसिस फर्स्ट के बाद दो हैप्लॉइड हम कह सकते हैं यहां पर, यानी इसका श्रिंकेज हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहां इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा इक्वली, ये श्रिंकेज हो जाएगा और दो सेल अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में दो हैप्लॉइड सेल तैयार होंगे। किसके, जर्म सेल के, डॉटर सेल के, ठीक है, डिप्लॉइड सेल के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर इसमें क्लीवेज होता है और वो क्लीवेज के नतीजे में जो डॉटर सेल तैयार होते हैं साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी इक्वली डिवाइड हो गया। कैसे, यहां पर टेलोफेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन तैयार होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म तैयार हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक नया जो सेल जो है तैयार होता है जो डॉटर सेल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में यही होता है। तो हम देखते हैं कि डॉटर सेल जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है रेस्टिंग स्टेज में जाकर शॉर्ट स्टेज में, यानी ज्यादा लॉन्ग स्टेज में इंटरफेस स्टेज में नहीं जाकर, रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाकर जो है फौरन जो है वो फॉलो करते हैं मियोसिस सेकंड। किसको फॉलो करते हैं, मियोसिस सेकंड को। अब मियोसिस सेकंड भी वैसी ही होती है, ठीक है, मियोसिस सेकंड में भी फिर प्रोफेज सेकंड होगा। क्यों, क्या हुआ, यहां पर हमने देखा है कि ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द साइटोकाइनेसिस टू डिप्लॉइड सेल्स टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो अब ये रेस्टिंग स्टेज में ना जाकर या थोड़ी देर के लिए इंटरफेज स्टेज में जाकर जो है ये सेल क्या करते हैं, इंटरकाइनेसिस करते हैं। इंटरकाइनेसिस यानी दो बार क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन में चले जाते हैं। कहीं में चले जाते हैं न्यूक्लियर। अब डिवीजन जो होगी किसकी होगी, हैप्लॉइड न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। किसकी होगी, हैप्लॉइड न्यूक्लियस की। तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस में भी क्या होगा, फिर वही सारे चेंजेस होंगे जो हमने यहां पर प्रोफेज फर्स्ट में देखा था, प्रोफेज सेकंड में देखा था। लेकिन यहां पर एक चीज क्या है कि यहां प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये ध्यान में रख लीजिए, यहां प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस थे जिन्हें हमने क्या कहा था, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन प्रोफेज अपने लिप्लोटीन ऑटोजेनेसिस, ये नहीं होता। यहां पर जो मियोसिस सेकंड है ये माइटोसिस है। क्या है, माइटोसिस, यानी इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोफेज में जाता है, प्रोफेज से फिर वो मेटाफेज में जाता है, मेटाफेज से एनाफेज में जाता है, एनाफेज से टेलोफेज में, फिर उसकी साइटोकाइनेसिस होती है, उसके फिर दो डॉटर सेल तैयार होते हैं, यही होता है ना। तो यहां पर भी ऐसी ही होगा, ये दोनों सेल जो है उसी तरह से प्रोफेज में जाएंगे जैसे माइटोसिस में होता है, वैसे ही मेटाफेज में जाएंगे जैसे माइटोसिस में होता है, उसी तरह से एनाफेज में जाएंगे जैसे माइटोसिस में होता है, फिर उसी तरह से साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेंगे जैसे माइटोसिस में होता है। और माइटोसिस में हमने देखे थे क्या होता है, रिस्टोर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, पेरेंट सेल के जितने ही क्रोमोसोम सेल तैयार होते हैं, यानी पेरेंट अगर से डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। तो यहां ये पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो ये भी क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो मियोसिस सेकंड इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मियोसिस, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन दैट इज फॉलोड बाय द मियोसिस फर्स्ट दैट ऑकर इन द मियोसिस फर्स्ट टू डॉटर सेल्स। अब ये टू डॉटर सेल्स उसी तरह से माइटोसिस इसमें होती है, माइटोसिस के नतीजे में फिर यहां पर हम देखते हैं कि इसकी डिवीजन होती है। तो इसकी डिवीजन दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में होती है, फिर इसकी डिवीजन जो है दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में होती है। तो दो हैप्लॉइड सेल, चार हैप्लॉइड सेल यहां पर दो हैप्लॉइड सेल से तैयार हो रहे हैं जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस इज व्हाट, इट इज द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। माइटोसिस इज व्हाट, इट इज द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इन विच व्हाट हैपन, द क्रोमोसोम बिकम डबल, ठीक है। तो यहां पर ऐसी हुआ है, मियोसिस क्या होती है, इट इज द रिडक्शन डिवीजन। यहां पर ये सेल 2n था, डिप्लॉइड था, हैप्लॉइड बन गया, काइमे बन गया, हैप्लॉइड बन गया। तो ये मियोसिस है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, और दैट फॉलो
बाय द मियोसिस सेकंड इट इज द रिडक्शन इट इज द माइटोसिस। और माइटोसिस के जरिए से जो है यहाँ पर हम चार हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स तैयार होते हैं, और ये फोर डॉटर सेल्स जो होते हैं जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? जर्म सेल्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मियोसिस सेकंड को समझाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि मियोसिस सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं एज ए माइटोसिस। माइटोसिस जो हमने पढ़े हैं वही मियोसिस सेकंड है। तो समझने जैसी चीज क्या है इसके अंदर, इसमें हम देखते हैं कि हैप्लॉइड जो डॉटर दो हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो मियोसिस फर्स्ट से जो है मियोसिस सेकंड में दाखिल होते हैं, और उसमें जो है उसके सिस्टम में रिलेटेड क्रोमेटिक डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होकर चार हैप्लॉइड सेल्स तैयार डॉटर सेल्स तैयार होते हैं, और उसके जरिए से गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। गैमेट्स क्या है? स्पर्म एंड ओव, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और प्लांट सेल के अंदर भी हम इसको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कह सकते हैं। तो ये जो है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, और गैमेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू यंग वंस, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन इसके बगैर अधूरा है। रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट फ्यूजन होगा तो जायगोट तैयार होगा, जायगोट तैयार होगा तो ही न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मियोसिस सेकंड जो है फॉलो करती है मियोसिस फर्स्ट को। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें हैं, आप इस सब चीजों को ध्यान में रखें। ये जो डॉटर सेल्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सेल्स, ये अपने पेरेंट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस आती हैं जायगोटिन पैकेटिन लैक्टोटिन और डायगेनेसिस, इसमें क्या होता है क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, जेनेटिकल एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ओवरलैपिंग ऑफ द क्रोमोसोम होता है, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, और यही वेरिएशंस की वजह से जो डॉटर सेल्स है वो अपने पेरेंट सेल्स से मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हियर, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। स्टूडेंट्स ये डिटेल में है, आपको आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमने मियोसिस सेकंड को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है, प्रोफेज फर्स्ट को डिटेल में से पढ़ा है। तो उस पर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है वो प्रोफेज फर्स्ट पर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द मियोसिस दैट इज द सेल डिवीजन।